हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज मैं आप लोगों को कुछ रोल्स बताने वाला हूँ जो मैं अपने कवर्स में यूज़ करता हूँ फ्रीक्वेंटली। काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा था कि लेसन्स डालो, तो बस अब मैं लेसन्स शूट करना चालू कर रहा हूँ धीमे धीमे, तो डालता रहूँगा। अभी ये रोल्स है, इसमें आपको मैं चार रोल बताने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टिपिकल नहीं है, सिंपल रोल है। तो सबसे पहला रोल जो है वो 16 नोट का है। तो हम क्या कर रहे हैं कि चार नोट पर इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं, लाइक किक पे चार नोट, स्नेयर पे चार नोट, टॉम पे चार और फ्लो टॉम पे चार। तो ये साउंड कैसे करेगा बेसिकली, इसमें आप थोड़े से चेंजेस कर सकते हैं। जैसे कि किक ड्रम पे आपके पास अगर डबल पैडल नहीं है तो आप उस फोर नोट्स को यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं। लाइक स्नेयर पे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अब चार नोट हमारे पास बचे हैं, तो 1 2 3 4 1 2 3 4। तो ये था एक बेसिक सिंपल सा रोल था। तो अब हम बढ़ते हैं सेकंड रोल की ओर। जो सेकंड रोल है वो है थोड़ा ट्रिपलेट फील का, और सिर्फ स्नेयर पे आपको बजाना है, वन पे आपको एक्सेंट करना है। तो पूरा रोल जो रहेगा वो ट्रिपलेट फील का रहेगा, लाइक हम इसमें चार बार एक्सेंट कर रहे हैं वन पे। अब जो चौथी बार हम जो कंप्लीट कर रहे हैं रोल को, तो हमें फोर पे एक्सेंट करना है, 1 2 3 4 1 2 3 4। तो पूरा रोल कैसे सुनाई देगा, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4। बस इसको आपको ध्यान रखना, ये थोड़ा सा टिपिकल है। ये रोल भी बहुत कॉमनली यूज कर सकते हैं, थोड़ा सा एक शफल फीलिंग आती है बीट में। तो अब हम बढ़ते हैं थर्ड रोल की ओर। थर्ड रोल काफ़ी एक फिल जैसा है, उसको हम रॉक बीट में यूज़ करते हैं या रॉक जॉनर में यूज़ करते हैं ज़्यादातर पावर डालने के लिए। तो इसमें भी ट्रिपलेट फील में ही बजाना है। हमें करना ये है कि पहले स्नेयर और क्रैश एक साथ बजाना है वन पे, और टू और थ्री पे किक बजाना है। तो कैसे कैसे आएगा ये कम्प्लीट पूरा मैं आपको बताता हूँ। तो ये पूरा रोल कम्प्लीट हुआ हमारा, फिर से बजाता हूँ। वन टू थ्री, वन टू थ्री, वन टू थ्री, वन टू थ्री, वन टू थ्री फोर। तो हम क्या कर रहे हैं, अगेन 16 नोट्स को कंप्लीट कर रहे हैं यहाँ पे। तो 16 नोट्स जो है हमें उसको कंप्लीट करना है, तो उसके लिए हम वही 1 2 3 पहले इस वाले क्रैश में बजाए, फिर इस वाले क्रैश में बजाए, फिर इस वाले क्रैश में बजाए, फिर इस वाले क्रैश में बजाए। तो हमने तीन नोट्स को चार बार बजाया। अब हमारे पास बचे हैं चार नोट, उसको हमें बजाना है, तो 1 2 3 4। तो ये एक रॉक काइंड ऑफ जॉनर में अच्छा लगता है, स्टार्टिंग में या बीच में फिल जैसा। तो अब हम बढ़ते हैं लास्ट रोल के लिए। तो हमारा ये 6-स्ट्रोक रोल है। तो ये जो रोल बेस्ड है, जो फोर्थ वाला, ये इसी पे बेस्ड है। हम ये कर रहे हैं कि हम 6-स्ट्रोक रोल को डिवाइड कर देंगे राइड पे और स्नेयर पे, लाइक तो वन पे किक और राइड एक साथ आएगी, टू पे स्नेयर, थ्री पे स्नेयर और फोर पे स्नेयर, फाइव पे स्नेयर और सिक्स पे स्नेयर। तो थ्री और फोर जो है वो डबल्स है, और फाइव और सिक्स भी डबल्स है। तो ये सिंगल नोट हो गए, 1 2 3 4 5 6, राइट लेफ्ट, राइट राइट लेफ्ट लेफ्ट। तो बाकी के जो अभी हमने बजा लिए टोटल 6 नोट, बाकी के बचे 6 नोट और बजाने हमें, क्योंकि ये 12 नोट का फिल है। तो बाकी के 6 नोट कैसे बजाएंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2, बाकी इस पे 4। तो बहुत सिंपल है, मतलब इसको दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ। पहला पार्ट हो गया जो हमारा 6-स्ट्रोक रोल है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3
पहले 6 हमने इधर बजा लिए और बाकी के 6 हमने घुमा लिए। तो जो हम डबल्स बजा रहे हैं वो डबल्स वाली मैंने वीडियो पहले बना दी थी, तो वो थोड़ा सा सॉफ्ट रहेगा, लाइक तो ये एक फीलिंग उसमें मेंटेन करनी है। तो दोस्तों ये वो 4 रोल थे जो मैं आपको बताना चाह रहा था। सिंपल है, बस 1-2 रोल में थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि हल्का सा उसमें टेक्निकलिटी ज़्यादा है। बाकी इसको आप यूज़ कीजिए अपने ड्रमिंग में, पहले धीमे से सीखिए, 60 BPM पे सीखिए, फिर इसको 120 तक ले जाइए, धीमे धीमे इसको बढ़ाइए टेम्पो को। तो अगर आपको कोई डाउट हो इस चीज़ को लेके तो आप मुझे DM कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं वीडियो के नीचे, मैं आपको बिल्कुल रिप्लाई करूँगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी DM कर सकते हैं, ये रहा मेरा इंस्टाग्राम हैंडल। तो मिलता हूँ दोस्तों अगले वीडियो के साथ जल्दी ही, और तब तक चैनल को आप देखते रहिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बस मैं मिलता हूँ अगले वीडियो के साथ, तब तक ले बाय।